हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 16 फीज वाले एक फैन के स्टार्टर को वाइंडिंग करने वाले हैं। हम लोग पहले उसका जो वाइंडिंग जल गया था उसका वाइंडिंग को निकल दिए। उसके बाद जो इंसुलेटिंग पेपर है उसको अच्छे से काट कर बैठा चुके हैं। अभी 2 कोयल भी इंसर्ट हो गया है रनिंग वाला। अभी 3 नंबर वाला कोयल अभी बैठा रहे है हमारा जो मिस्त्री है वही लोग। किस तरह से उसको बैठा गया है वो आप लोग देखिए। पहले कॉइल जो बैठा हुआ है उसका भी सेकंड वाला वायर दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और ये 3 नंबर वाला जो बैठा रहे हैं अभी वो भी वायर अभी कनेक्टेड है, और 4 नंबर जो कॉइल नीचे गिरा हुआ है आप देख पा रहे हो 1 वायर उसके साथ भी कनेक्टेड है। ये चारों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। जो चीज़ देख रहे हैं बेमू में बना गया है इसको। कोयल को हल्का हल्का स्लॉट के अंदर में डाल दिया जाता है, क्योंकि जो वाइंडिंग जो कोयल है वो अच्छा से स्लॉट के अंदर और इंसुलेटिंग पेपर के अंदर बैठे रहे, इधर उधर ना खिसके। इसलिए इसको लगाने के बाद ऊपर में जो देख रहे हैं इस टाइप का इंसुलेशन पेपर लगा दिया जाता है वाइंडिंग बाहर ना निकले। इसी प्रकार उस टाइप भी स्लॉट का अंदर कॉइल को डाल के इस पेपर को लगाएंगे। अभी सब जो वाइंडिंग का जो वाइंडिंग है अभी देख पा रहे स्लॉट के अंदर घुस गया है। अभी ये जो पेपर डाला जाता है वो बाहर नया निकलने के लिए अभी इसके अंदर डाल दीजिए। यहाँ पर हमारा 3 नंबर भी कॉइल बैठ के रेडी हो गया है। अभी 4 नंबर कॉइल कैसे डाला जाता है आप लोग सही से देखें। ये वाला कॉइल की अभी 4 नंबर कॉइल डालने वाले गया है। हमारा जो कॉइल डाल रहे हैं एक से 4 का अंदर में जो पीछे 1 2 3 4 ठीक है देख पा रहे होंगे 1 से 4 का पीच का अंदर ए डाला जाता है, और सेकंड टर्न हमारा कॉइल का डाला जाता है 1 से 6। इसी प्रकार कॉइल को डाला जाता है। पहला टर्न होगा 1 से 4 पीच का अंदर, दूसरा टर्न होगा 1 से 6 पीच का अंदर।
अभी एक टन हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी जो ये जो कोयला भी घुसेगा, ये एक भी एक और छः का बीच में घुसेगा जो स्लॉट है। देख पा रहे होंगे पहला वाला एक से चार कंप्लीट होने के बाद, अब एक और छः नंबर जो स्लॉट है उसका अंदर सेकंड टर्न गया है अभी। अभी इस प्रकार से कुछ कॉल को मोड़ कर फिर से एक के और छः नंबर स्लॉट में फिर से डाल दीजिए। इसी प्रकार कॉल बैठा जाता है फैन वाइंडिंग जो टेबल फैन वाइंडिंग है। फिर से उस बेम्बू जो स्टिक है उसको यूज करके हल्का हल्का से वाइंडिंग का सब स्लॉट के अंदर डाला जाता है। अभी दूसरी साइड की वाइंडिंग को स्लॉट के अंदर डाला गया है। अभी हमारा चारों कॉइल अच्छे तरह से बैठ गया है जो स्लॉट के अंदर। अभी हम लोग इंसुलेशन पेपर दे चुके हैं। अभी हमारा जो और चार ठो कोयल बनने वाला है जो उसका अंदर लगेगा। अभी हमारा चारों कोयल अच्छे तरह से स्टार्टर का अंदर स्लॉट का अंदर अच्छे तरह से बैठ गया है। इसी प्रकार स्लॉट का अंदर और बीच देखकर एक सौ चार और एक सौ छः देखकर कॉइल को अच्छी तरह से डाला जाता है। अभी दूसरी कॉइल उसके बाद हम लोग बनाएंगे और डालेंगे। इसी प्रकार कॉइल को स्लॉट के अंदर डाला जाता है। अभी कॉइल को हम लोग अच्छी तरह से ड्रेसिंग कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।